के घर में एक बल्ब नहीं लगा, उसके यहाँ 15,000 बिल है हमारे गाँव में अभी। बोले नहीं तो हम बोला तो बहुत कहो जी। सरकार में औरतों का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका असर तो सब दिखाई दे रहा। भाजपा की जो नीति है वो दिखाई देती है, बड़े लोगों छोटे लोगों नीचे से बड़े लोगों तक के सबको उसमें मतलब लाभ मिलता है। पंचीलाल प्रजापति यहाँ तक कि वो कभी देखने नहीं आए यहाँ गांव में, हाँ कि गांव कैसा है कैसा नहीं है अभी नहीं है। विधायक से माननीय कलेक्टर से 181 में बंदर के लिए ऑनलाइन शिकायत किया है 7 बार, मैं खुद स्वतंत्र कुमार पांडे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं हूं निशांत मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, रीवा जिले की सारी 8 विधानसभा में टिकट की घोषणा हो चुकी, सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। हाल फिलहाल हम जिस विधानसभा में टिकट की घोषणा हो रही वहाँ पास लोगों की राय जान रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रश्न जानने की, इनकी समस्या जान के हम उस कैंडिडेट के पास जाते हैं और इनके प्रश्न कैंडिडेट प्रत्याशियों से भी पूछते हैं। आज हम फिलहाल में बड़ी हरदी आए हैं, आइए हमारे पीछे कुछ नागरिक बैठे हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? देवेन कुमार द्विवेदी। क्या कुछ माहौल है इस बार कांग्रेस का या बीजेपी में, दोनों की प्रत्याशी की लिस्ट आ गई है? माहौल जो है तो बीजेपी की सबसे अच्छी माहौल है और उसका जो विकास का कार्य है बहुत अच्छा विकास का कार्य, जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी वो घर घर में सबको मतलब अच्छी तरह से मिला है। ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है और ये सारी जो योजनाएं दिया है 1200-1250 रुपए, इसका ग्राउंड लेवल में क्या रहा है? बहुत असर है, बताइए। जिन औरतों को कभी एक रुपया भी आशा नहीं थी कि कोई पार्टी कभी दी, लेकिन शिवराज सिंह के सरकार में औरतों का सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका असर तो सब दिखाई दे रहा। भाजपा की जो नीति है वो दिखाई देती है, बड़े लोगों छोटे लोगों नीचे से बड़े लोगों तक के सबको उसमें मतलब लाभ मिलता है। जो कांग्रेस की नीति थी उसमें बड़े लोगों को ही लाभ मिलता था, नीचे स्तर तक लाभ कभी नहीं मिला। अच्छा, आपके स्थानीय विधायक जो पंचूलाल प्रजापति हैं, उन्होंने कुछ विकास किया आपके क्षेत्र में? देखिए व्यक्तिगत पंचूलाल जो हैं तो वो कोई विकास नहीं किए, मतलब जो उनके तरफ से होना चाहिए वो विकास नहीं किए, लेकिन जो भाजपा की नीति है वहाँ से जो ऊपर से विकास हुआ वो हर आदमी को मिला। राज्य और केंद्र में जो बैठे हैं ऊपर वाले वो कर रहे हैं, स्थानीय विधायक नहीं, स्थानीय इसीलिए पार्टी जो है तो इसीलिए मतलब पार्टी जो है तो विधायक चेंज कर दिया है, विधायक की जो मतलब कार्यशैली वो सही नहीं थी इसलिए उनको जो चेंज किया गया है। पार्टी टिकट नहीं दी है और माननीय नरेंद्र प्रजापति जी को उतारे हैं। अभी देखिए चुनाव जीतने के बाद उनका कार्य कैसा रहता है ये तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और था, जो हाल फिलहाल में सिद्धार्थ तिवारी हैं श्रीनिवास जी के पोते, वो बीजेपी में आए गए हैं, इसमें आप लोग क्या कहेंगे? वो बहुत अच्छे, वो मतलब एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे और जो मतलब उनका और उनके घर वालों का मतलब विधानसभा मनिगमा या कि हर पूरे रीवा जिला में बिंध में मतलब उनका अच्छा मतलब कार्य था, लेकिन कांग्रेस जो है तो उसका अहमियत नहीं समझा। उनको नहीं आना चाहिए था आपका ये कहना? नहीं, उनकी अहमियत, अगर उनकी अहमियत कांग्रेस में होती, अगर उनका सही वो करते तो क्यों आते, जब मतलब अच्छे आदमी की उसमें नहीं है काम कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी उनकी अहमियत नहीं समझ पाई। चलिए ठीक है, वो बीजेपी में आए हैं और बीजेपी में उनको सही स्थान मिला है और वो सही मार्गदर्शन करके आगे मतलब जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो भाजपा से विजयी होंगे और वहाँ की जनता को अच्छा। चलिए ठीक है, हमारे पास अभी बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा बात करनी है। आपका क्या नाम भैया? जी मेरा नाम कमलाकर तिवारी है। आप युवा हैं, युवा क्या चाहता है इस बार, किन मुद्दों को लेके वोट करेगा? बदलाव चाहते हैं लोग। आपके क्षेत्र में बीजेपी की सरकार थी, इस बार आप क्षेत्र में भी है, आपके विधायक हैं, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, तो आपको क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ युवाओं के लिए सरकार ने कुछ? यहाँ जो विधायक थे पंचीलाल प्रजापति,
यहाँ तक कि वो कभी देखने नहीं आए यहाँ गांव में। हाँ कि गांव कैसा है कैसा नहीं है अभी नहीं है। ये विधायक प्रतिनिधि से बना है ये 3.25 लाख का। क्या बोल रहे हैं आप? ये बोले विधायक जी हमारा इतना विकास किया कि एक यात्री प्रतीक्षालय के लिए 2,67,000 रुपए, एक पीएम आवास के लिए 1,30,000 रुपए दिया है, तो 2 कमरे घर बन जाएंगे क्या? क्या हम भाई आज जो भैया बोले हमारे कि लाडली बहना की योजना के तहत लाडली बहना के तहत सभी महिलाओं को जो 1,200-1,000 रुपया मिल रहा है, और जितने 60 साल के बुजुर्ग लोग हैं उनकी अभी तक पेंशन नहीं है, जो विकलांग है उनकी पेंशन नहीं मिल रही, और कहने को विकास इतना देख लीजिए, हमारे गांव की रोड है नाली भी है। अब विधायक जी को तो हम कभी देखे नहीं, जब से यहाँ से 15 साल हो गया, 5 महीना से गल्ला नहीं है, तो वो विधायक जी का एक पब्लिक के लिए नहीं बनने हैं। इस बार उनका टिकट कट गया है, कट गया है, तो जो नए विधायक प्रतिनिधि हैं उनको क्या इस बार वोट करेंगे आप? हम नहीं करेंगे कभी, क्योंकि जो बीजेपी कैंडिडेट अभी नारायण प्रजापति हुए हैं आज तक वो फील्ड में कभी गरीब के सुख या दुख में कभी खड़े नहीं हुए, जिसको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, वोट कैसे देंगे बताइए। चलिए, इनका कहना है कि यात्री प्रतीक्षालय जो है वो ज्यादा 2 लाख। चलिए, और आपका क्या कहना भैया? मेरा नाम स्वतंत्र कुमार पांडे है। मेरा कहना यह है कि माननीय विधायक जी के के द्वारा, चलिए कोई बात नहीं, विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी पार्टी के, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा विकास हुआ, और अब इस बार हम नेता उसी को चुनेंगे जो हमारे यहाँ 450 मवेशी ऐरा घूम रहे हैं, जो उसकी व्यवस्था करेगा, जो भी पार्टी उसकी व्यवस्था करेगी, हम नेता उसी को मानेंगे, अन्यथा हमारा तो मत है कि हम वोट का बहिष्कार करते, पोलिंग बूथ का बहिष्कार करते, पर ऐसा लोग करेंगे नहीं। नहीं तो जो ऐरा मवेशी घूम रहे हैं लोग, गौ की वो कर रहे हैं कि गौ माता हैं और वो डंडे खाती घूम रही हैं, जो भी प्रत्याशी उनकी व्यवस्था करेगा, यहाँ से आ रहा मवेशियों की व्यवस्था करेगा, हम उसको नेता मानेंगे और उसी को चुनेंगे। अच्छा चाचा, इसमें आप सरकार को दोषी मानते हैं कि लोग भी इसमें दोषी हैं? लोग भी दोषी हैं और सरकार भी दोषी है, दोनों एक बराबर के दोषी हैं, हम भी दोषी हैं और सामने वाले भी दोषी हैं और सरकार भी दोषी है। चूंकि मैं माननीय विधायक जी से, माननीय कलेक्टर से 181 में बंदर के लिए ऑनलाइन शिकायत किया है 7 बार, मैं खुद स्वतंत्र कुमार पांडे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसमें मैं मानता हूं कि चलिए पंचूलाल का कोई दोष नहीं है, जनार्दन मिश्रा का कोई दोष नहीं, लेकिन जब 181 में शिकायत हुई तो ऊपर से देखना चाहिए। फिर भी बीजेपी के कार्यकाल कांग्रेस के कार्यकाल से बहुत बेहतर और बहुत अच्छा था है, पर अब जो मुद्दा है इस चुनाव में, वो मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ 450 मवेशी ऐरा घूम रहे हैं, जिससे कि किसानों की खेती चरपट हो रही है, किसान बिल्कुल त्रस्त हैं, जिनके पास पैसा है वो तार बाली लग बाली वो खेती कर लें, अब बाकी लोग छोटे तकमे के लोग भूखे मर रहे हैं, कोटा में गल्ला नहीं मिल रहा, खाने के लिए लोगों को लाले पड़ रहे हैं, है ना। तो इस तरह जो भी प्रत्याशी इस बार उनकी व्यवस्था करेगा, हम नेता उसको चुनेंगे। आपका सबसे बड़ा मवेशी है, मवेशी और युवाओं के लिए रोजगार, ऐसा कुछ मिला है? युवाओं को कुछ नहीं मिला है, प्रत्याशी आए उनकी क्या घोषणा है, झूठी घोषणा नहीं, अभी तत्काल में करके दें उसको हम मानेंगे। इनका कहना है कि अगर जो प्रेजेंट में सरकार आएगी, जो हमसे वोट मांगने आएंगे आवारा मवेशी जो गाय हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रज्जब खान। क्या? रज्जब खान। यही के हैं? यही। आप युवा हैं, आप इस बार कौन से मुद्दे लेके सरकार को वोट करेंगे? वोट ये पशु पूरे गाँव में फैले हुए हैं, हर किसान परेशान हुआ है इससे, कोई भी आए ये पशु के पूरा निदान करे, कहीं इसका वो बनवाए है। इसमें लोग भी तो जिम्मेदार हैं, लोग पशु छोड़ देते हैं गाय को दूध, लोग तो छोड़ रहे हैं, मगर सरकार की भी कुछ वो होता है कि कहीं इसका रखने के लिए बनवाया जाए, गौशाला बनवाया जाए। तो यहाँ गौशाला नहीं बनी है? नहीं बनी है, घोषणा होती है बनती नहीं है। हाँ यही है। क्या बोल रहे हैं आप?
हम ये बोल रहे हैं कि जो पंचायत भवन में मतलब कि या कि कहीं से जिला जनपद से पैसा आता है गौशाला बनवाने के लिए, तो कहीं बना है नहीं। अन्य लोग बनवाते पैसा भी आता है तो बोलते हैं कि पैसे नहीं आया। आपके कहने का मतलब यहाँ के जो अधिकारी वो पैसा खा लेते हैं? खाते तब नहीं बन पाता गौशाला, नहीं तो पैसा बहुत देता सरकार। और आपके अभी गांव में क्या प्रमुख समस्याएं आप देखते हैं? समस्याएं आप हमें ही क्या, पूरा गांव जानता है तो पूरा मवेशी अहरा रहते हैं। तो हम लोग तो वोट देंगे नोटा में इस बार, आके जो व्यवस्था कोई भी आए हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, वो गोरुआ का भी व्यवस्था करा देगा, उसी को हम लोग वोट देंगे, चाहे बहुजन हो, भाजपा हो, कांग्रेस कोई भी हो। अभी मैं बड़ी हरदी में खड़ा हूँ, यहाँ एक छोटी सी मार्केट है। मैं आपको बता दूँ यहाँ के सारे लोग कह रहे हैं कि अगर गायों का और आवारा जो मवेशी हैं उनकी व्यवस्था नहीं की गई तो हम वोट नोटा को डालेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। और कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? कृष्ण कुमार तिवारी। इस बार आप कौन कौन से प्रमुख मुद्दे लेके वोट करेंगे? मुद्दा यही है कि अहरा प्रथा हमारे यहाँ का बंद करा दिया जाए। जो भी पार्टी आती थी चुनाव में घोषणा होती, फिर बाद में काम नहीं होता है, तो जो पहले काम करके देगी उसी को वोट दिया जाएगा, नहीं तो वोट नोटा में दिया जाएगा। अभी आप किसको, मतलब क्या रुझान है यहाँ का, किसको वोट दिया जाएगा? रुझान यह है कि जो विधायक प्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ जो आएंगे उनसे हमारा प्रस्ताव रहेगा, जो हमारी मांगे पूरी करेगा मैं उसी को चुनूंगा। ना भाजपा है ना कांग्रेस है ना कोई, तो सब कर देगी अभी आपके यहाँ, जो तुरंत में करेगी, करके दिखाएगी अपने। तो अभी करेगी नहीं, वादा करके चली जाएगी, फिर आएगी तो जैसे अभी बीजेपी में 5 साल, फिर सत्ता परिवर्तन बदलाव चाहिए। चलिए यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ स्थानीय मेरे पीछे लोग खड़े हैं, इनका सबसे बड़ा मुद्दा आवारा जो मवेशी गांव में है इनकी फसल नष्ट करते हैं। और भैया आपका क्या नाम है? नितिन कुमार शास्त्री। क्या कुछ आपका, आपके हिसाब से कुछ मुद्दे हैं आपके गांव में जो आपके, जो हमारे गांव वालों को जो मंजूर है, अभी जो इन्होंने बोला है कि मतलब जैसे कि ये भैया बोले और सभी लोग जो बोले हमारा पशुओं वाले, इनका समर्थन कर? जी हम उनका समर्थन। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है युवा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या सरकार की नाकामी है, क्या आप बोलेंगे? सरकार इसमें कुछ नहीं है। पहले कांग्रेस में कितनी रोजगार मिलता था आप वो आंकड़ा बताइए ना, बीजेपी में उससे ठीक रोजगार मिल रहा है उसे, मतलब ये बताइए कांग्रेस में पलायन होता था, आत्महत्या करते थे लोग, लेकिन बीजेपी की सरकार में कौन आत्महत्या किया परेशान होके? किसान आत्महत्या करते थे, वो आत्महत्या बंद हो गई, बंद हो गई है, मतलब उसका जो वो है। लेकिन जो गांव में आवारा पशुओं की समस्या है, आवारा पशु पहले थोड़े थे, फिर उनके बच्चे होते होते आवारा पशु बहुत हैं। कोई भी अगर लीडर आता पहले जो उनका वो करेगा, सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। उसके अलावा झूठा आश्वासन नहीं मानेंगे, पहले इंतजाम कर दे इसके बाद वोट पड़ जाएगा। ये भैया जो बोले आत्महत्या नहीं हुआ है, अभी किसान आत्महत्या में नंबर वन मध्य प्रदेश है साथ भैया, बीजेपी का हम दिखा रहे हैं आपकी इधर से, एक नंबर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बिजली का बिल इतना बढ़ के आ रहा है, जिसके घर में एक बल्ब नहीं लगा है उसके यहाँ 15,000 बिल आया हमारे गाँव में अभी। बोले नहीं तो हम बोला तो बहुत कहूँ जी, जवाब दीजिए ना इनका क्या है? बिजली का बिल कांग्रेस सरकार जब अगला चुनाव हुआ था किसानों को 2 लाख कर्जा माफ करने के लिए बोली थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने अभी किसान अभी कर्जा माफ किया, बिजली का बिल माफ किया है। अभी देखो जो समस्या बात चल रही है, जैसे घोषणाओं में नहीं विश्वास करते, हमने क्या कहा, हम घोषणाओं में विश्वास नहीं करते, जो प्रमाणित करेंगे आराम मवेशियों की व्यवस्था करेगा हम उसको मानते हैं। इसी प्रकार बीजेपी ने अभी बिजली का बिल माफ किया, हम उसको मानते हैं। चलिए यहाँ पास स्थानीय लोगों से मैंने बात, बड़ी हरदी में हूँ, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने बात किया और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या उभर के नजर आई है, ये आवारा जो मवेशी यहाँ घूमते हैं इनकी फसल नष्ट करते हैं और बहुत सारी हानि पहुँचाते हैं। इनका कहना ये है कि अगर कोई विधायक प्रतिनिधि यहाँ आता है और जो हमारे गाय और आवारा मवेशी के लिए कुछ प्रबंध करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, नोटा में देंगे। चलिए रीवा स्टोरी मीडिया देखने के लिए धन्यवाद।